हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड सिस्टम हमान के बारे में। तो इसकी पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि सेकंड वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इसके फुल एंड फीचर्स के बारे में। तो यहाँ ये लोडिंग हो रहा है, यानी बूट हमारा कोल्ड बूट कुछ इस तरह का है देखने में। तो इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, बहुत क्लीन सा, बेसिक सा, बहुत अच्छा सा। और ये ऐप मेन्यू, यहाँ से आप पूरे अपने एप्लीकेशन को जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी स्मूथ है और कोई इशू यहाँ पे नहीं है। ये देखिए, बहुत टच रिस्पॉन्स भी इसका काफ़ी अच्छा है इसमें। ये हमने इंस्टॉल किया है अपने टियागो में, अगर पहली वीडियो आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। तो और यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। सेटिंग में कुछ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट हम यहाँ पे चलते हैं आपको कुछ दिखाने के लिए कार सेटिंग में। कार सेटिंग में जैसे ही हम चलते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और मैं आपको एक एक करके सारे ऑप्शंस को बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलेंगे एक्स्ट्रा सेटिंग में। एक्स्ट्रा सेटिंग में अगर पासवर्ड आपको मांगता है तो सबसे पहला पासवर्ड आपको डालना है 12345, और अगर वो दूसरा है आपको यहाँ पे इंटर करना है 8888। दोनों में से एक पासवर्ड आपका एक्सेस कर लेगा। तो यहाँ पे मैं 8888 इंटर करता हूँ, और इंटर करने के बाद ही हमारा यहाँ पे मॉडल चूज का ऑप्शन यहाँ पे हम देखेंगे। अब ये मॉडल चूज का जो ऑप्शन है, आपका जो कैनवास होगा उससे पेयर करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे कैसे पेयर करना, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा। यहाँ से हम बैक चलते हैं, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं उसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो स्क्रॉल करते हुए जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत सारे इसमें ऑप्शंस मिलेंगे, वो चीज़ें हमें बाद में देखना है और वो अभी ज़रूरत नहीं है, जब हम पेयरिंग देखेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ऐप मेन्यू में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। देखिए, APK इंस्टॉलर मिलता है, ऑक्स, ब्लूटूथ, बूट एनिमेशन क्या है, कार सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से, और एक कैबिट लिंक करके क्रोम वगैरह सब यूज कर सकते हैं। DVR है, इक्वलाइजर है, और DVR क्या है ये मैंने एक्चुअली में यहाँ पे एक डैश कैम यानी DVR यहाँ पे सेट किया हुआ है। देखिए, ये इसका प्रीव्यू है, बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग होती है। और यहाँ इसमें एडास फीचर भी है, देखिए एडास हमने ऑफ कर दिया, यहाँ से भी आप एडास ऑन भी कर सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, ये फ्रंट कैम का जो व्यू है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स के भी ऑप्शंस होते हैं जो कर सकते हैं, बट ये चीज़ बाद की चीज़ें हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट कभी इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो अभी मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि एक्चुअल में वो है क्या। और स्मूथनेस काफ़ी अच्छी है, उसकी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। और यहाँ पे फिजिकल की भी आपको मिलते हैं, और ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस में भी जाके आप सारे ऐप्स को अपने देख सकते हैं, कौन कौन से ऐप इसमें इंस्टॉल हैं। और ये यहाँ भी जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं जितने भी ऐप करंट में इंस्टॉल होते हैं वो सारे आपको शो करेंगे। जैसे आपका एंड्रॉयड फ़ोन होता है सेम वही पैटर्न है, सारा कुछ वही है, बस यहाँ पे थोड़ी सी लार्ज स्क्रीन है जिसको आप कर देख सकते हैं। तो मैं स्क्रॉल करके सारी चीज़ देख रहा हूँ, कौन कौन से एप्लीकेशन मेरे इसमें इंस्टॉल हैं और कौन कौन सा हमें इंस्टॉल करना है। यहाँ से बैक आप इजीली कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए नेटवर्क और कनेक्शन है, वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, और भी सारी हैं, मैप है, ब्लूटूथ है, म्यूज़िक है, रेडियो है, जो भी एक होता है। और ये कुछ इंटरफेस इस तरह का है, और जो यहाँ पे देखिए इक्वलाइजर का भी ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। इक्वलाइजर में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें कुछ प्री सेट मिलते हैं। अगर हम जोन में जाते हैं ना, जोन में आप सेट कर सकते हैं आगे कि स्पीकर्स चलें कि ना चलें, लाउड और लाउड को सेट कर सकते हैं हम, स्पीकर के वेरिएशन को सेट कर सकते हैं कि कौन से फ्रंट स्पीकर्स पे हमें वॉइस चाहिए या फिर साउंड चाहिए या फिर पीछे के स्पीकर्स में चाहिए, तो वो आप खुद से सेट कर सकते हैं। तो सेंटर में रहेगा तो पूरा चारों स्पीकर का जो है एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। यूजर पर कर देंगे तो सेट होगा, बाकी आपको देखिए कितने ऑप्शन आप मिलते हैं, जाज है, नॉर्मल, यहाँ पे देखिए जाज है, नॉर्मल है, पॉप है, क्लासिक, रॉक, न्यूज है, अर्बन, टेक्नो, तो इतने सारे प्रीसेट आपको देखने को मिल जाते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने म्यूजिक एनहांस करने के लिए। तो यूट्यूब भी यहाँ पे है हमारे पास, और यहाँ पे यूट्यूब देखिए अभी कोई डाउनलोड नहीं शो कर रहा है क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया है। तो इसको इंटरनेट से कनेक्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपने मोबाइल से आप हॉटस्पॉट ऑन कर लें, तो मैंने हॉटस्पॉट ऑन कर लिया है और अपने फ़ोन का, और यहाँ से वाईफाई पे जाएंगे और वाईफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो आपको सेटिंग करनी है, देखिए हमारे यहाँ पे कनेक्ट हो गया पोको X2 हमारा फ़ोन, और यहाँ से फिर आप ब्लूटूथ पे जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ भी पेयर हो जाता है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा, देखिए हमारा ब्लूटूथ भी कनेक्ट है और वाईफाई भी कनेक्ट हो चुकी है।
होम पे चलेंगे तो फिर से अगर हम यूट्यूब यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो हमारा यूट्यूब देखिए ईजिली यहाँ पे ओपन हो जा रहा है, कोई इशू नहीं आ रही है क्योंकि इसे नेट की ज़रूरत थी और हमने इसको वाईफाई से अपने नेट यहाँ पे दे दिया। तो कुछ हम यहाँ पे सर्च करके भी देखेंगे वो ये जो स्क्रॉल वाला प्रोसेस है ना, ये ऐसा नहीं है कि वे हैंग कर रहा है लैग कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके नेटवर्क पर डिपेंड करता है आपका नेटवर्क कैसा है कैसा नहीं है। तो यहाँ पर एक NCS सॉन्ग हम सर्च करके देखते हैं, सर्च होता है कि नहीं है। तो ये यहाँ पर राउंड राउंड ये डिपेंड करता है आपका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। तो यहाँ पे ये देखिए सर्च भी इजीली हो जा रहा है। तो प्रोसेसर ये एक्चुअली में 2GB 32GB है, तो आप अपने फ़ोन का 6 और 8GB से कंपेयर ना करिएगा, ओवियस सी बात है ये उससे स्लो ही रहेगा। बट ओवियस जितना भी चीज़ें हैं यहाँ पे वो सारे बेटर हैं। प्ले स्टोर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, प्ले स्टोर में आप जाके नॉर्मली जैसे अपने फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप हमेशा करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे भी कोई भी एप्लीकेशन चाहे तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, बहुत सारी चीज़ें क्योंकि इसमें कुछ प्री डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी हैं। यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर मिल जाता है जैसे आपको फ़ोन में मिलता है, तो फाइल मैनेजर में भी जितने भी ऑप्शंस आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लैश मिलता है, उसके बाद जो USB आपका अगर कोई इंसर्ट है, क्योंकि यहाँ पे 2 USB इनपुट मिलते हैं, वो भी यहाँ पे आप जाके इजीली देख सकते हैं। USB ये देखिए 1 है, USB 1 पे जो मेरा डेस्क कैम है वो लगा हुआ है, ये हमारा डेस्क कैम जो ऊपर आपने दिखाया था हमने, ये डेस्क कैम मेरा लगा हुआ है जिसकी प्रीव्यू अभी आपने देखी थी, रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट है। तो ये मेरा USB 1 में लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है, और इसकी रिकॉर्डिंग में मैं इसी में देख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको मिलता है ना इजी कनेक्शन का। इजी कनेक्शन में क्या है कि आप जैसे अपने ब्लूटूथ से फ़ोन को सिस्टम को पेयर करते हैं फ़ोन से, तो वो सारा एक्सेस वो ले लेता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी चीज़ है, स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल का जो पेयरिंग है वो बहुत अच्छा है। आपको स्टेयरिंग माउंट ये ऑप्शन आपको ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे एक्टिव करके सेलेक्ट करना है, और जो भी की आपको करनी है, देखिए म्यूट हमने किया, म्यूट हम जाके वहाँ पे प्रेस कर देंगे और यहाँ पे म्यूट हमारा जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा। अभी क्या होगा कि जो हमारे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है ना वो भी सारे वर्क करेंगे इस सिस्टम के साथ, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है इसके साथ जो कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पे कॉल की है, हमने कॉल या की यहाँ पे सेट कर देंगे पूरी तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैलिब्रेट होगा पूरा एक एक की, उसके बाद करने के बाद आप सीधे यहाँ पे बैक जा सकते हैं। बैक जाने के बाद आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिजिकली हमारा काम कर रहा है, वॉल्यूम अप डाउन, और अब हम अपने स्टीयरिंग को भी देख लेते हैं। तो यह जी हाँ, यह भी हमारा बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कोई इशू यहाँ पे नहीं है। तो ये देखिए डाउन है, और यहाँ पे वॉल्यूम प्लस, और यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रहा है, सारी की हमारे वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे कॉल वाला की है, तो कॉल वाले को प्रेस करेंगे, देखिए हमारा कॉल वाली जो है वो डायलॉग ओपन हो गया, इसका मतलब हमारे सारे की यहाँ पे ओपन अच्छे से हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको कॉल का मिलता है, कॉल डिस्कनेक्ट का, स्पीकर का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद जो भी कॉल डिटेल्स हैं वो आप देख सकते हैं, इनकमिंग या आउटगोइंग जो भी है, ब्लूटूथ कौन से पेयर है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपने जो माइक्रोफोन इसके साथ मिलता है उसके गेन को भी सेट कर सकते हैं। तो माइक्रोफोन पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे आप माइक्रोफोन गेन को सेट कर सकते हैं। तो जो भी सारे ऑप्शन है आपको ईजिली यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिए कुछ ऑप्शन और हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं। देखिए ब्रेक सेटिंग को आप हमेशा क्लोज रखिए क्योंकि वो उस फीचर पे वर्क नहीं करता, स्पीड पे कर देंगे तो फिर वो म्यूजिक जो है स्पीड पे चलेगा तो उतना आपको मज़ा नहीं आने वाला, तो उसको क्लोज पे रखिए, ठीक है। रिवर्स ट्रैजेक्ट्री में क्या करते हैं आप उसको ऑफ कर सकते हैं क्योंकि जो लाइनिंग होती है बार होती है वो उसके लिए बेसिकली होता है। और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन हैं जो कि बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। और कार सेटिंग में जब आप जाते हैं तो कार सेटिंग में आपको देखिए एक ऑप्शन आपके यहाँ पर देखने को मिलता है रिवर्स द रूलर, इसको भी आप देख सकते हैं, तो वो रिवर्स पार्किंग में जो है वो वर्क करता है, ठीक है। रिवर्स कैमरे पे अगर आएँ तो आप हमेशा CCD रखिएगा, क्लोज सर्किट कैमरा, क्योंकि वही ज़्यादा जो है वो एक्टिव होता है और ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। बाकी इसमें देखिए शट डाउन डिले है और स्पीकर इग्निशन सेटिंग है और ऐप हैं, जो तो जितने भी ऐप यहाँ पे इंस्टॉल होंगे ना वो आपका कौन स्पीच पे कौन सा चाहिए, तो हम क्रोम यहाँ पे सेट है, तो क्योंकि जब आप वॉइस कमांड देंगे तो क्रोम से ही सारी चीज़ें सर्च करेगा। ये MCU अपडेट को भी यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं, इसमें शट डाउन डिले में कि कोई डिले नहीं चाहिए हमें शट डाउन करते टाइम, क्योंकि हो सकता है मैं कोई कुछ प्रोसेस में हो कोई वर्क और मुझे सेव करना हो तो मुझे टाइम चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है। बाकी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और एक्स्ट्रा सेटिंग भी एक ऑप्शन है यहाँ पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था,
तो ये वाला जो पार्ट है एक्स्ट्रा सेटिंग वाला, वो हम कभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वो अभी इधर से अगर हम उसमें एंटर करेंगे तो पूरी चीज़ें हमें फिर से करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे वही वाला पासवर्ड सेम 8888 करके हमको एंटर करना है। तो बस इस वीडियो में यहीं तक हम देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको हम बताएंगे कैसे क्या। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।